आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है एक्सपेरिमेंट विद ओम। आज मैं ले जाने वाला हूँ आपको साइंस की दुनिया में। आज जो वीडियो है वो इस बारे में कि जो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर हमने ले लिया है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे सब चीज़ों का कलर उड़ा देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्टाजेट पाउडर है वो हमने इसमें ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कोई भी वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये इसमें जो हमने यूज़ किया ये है फूड कलर, और ये जो है ये नील है। अगर आपके पास इनमें कुछ ना हो तो आप कुछ भी सिंपल वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, उससे भी हो जाते। और ये जो आखिरी का है ये हमारे पास है रसना। तो अब हम लोग इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, देख सकते हैं इसका पूरा पूरा एकदम पूरा कलर उड़ चुका है, पूरा ही वाइट हो गया। आप देख सकते हैं पूरा ही वाइट हो गया है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट हम फूड कलर की ओर बढ़ते हैं। तो अब फूड कलर देखते हैं, ये थोड़ा ऑरेंज हो रहा है, इसमें थोड़ा और डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया, इसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डार्क था तो इसके हिसाब से ये इतना सही हुआ है, मतलब बहुत ही सही हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क था। आप देख सकते हैं अभी बहुत लाइट हो गया है। तो चलिए अब नील पे ट्राई करते हैं हम लोग। और ये जो नील है ये भी हमारा लाइट ब्लू टाइप होते जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ही पर्पल था, अब क्या हो गया है आप देख सकते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा और डालेंगे तो शायद पूरा ही वाइट हो जाए। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा डाल के। तो देखिए और ही ज़्यादा लाइट हो गया है, तो इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अगर ये कुछ और हो गया हो तो इसको ये बाद में फिर से पूरा वाइट हो सकता है बाद में। अब ये है रसना, तो इसमें हम लोग अच्छे से ट्राई करते हैं फिर से एक बार और। हम इसमें डाल लिए हैं, आप देख सकते हैं ये भी लाइट होता जा रहा है। और इसमें इतना ही बचा है तो इसमें डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी पूरा ही वाइट हो गया है, एकदम ज़्यादा वाइट, एकदम प्योर मिल्क जैसा वाइट हो गया ये तो। और जो हमने ये वाला जो कलर लिया था ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया, ये भी ऐसी टाइप का वाइट था लेकिन अब ये और ट्रांसपेरेंट हो गया है। इन दोनों का कलर इनके हिसाब से ठीक है, अभी और ट्रांसपेरेंट हो गया आप देख सकते हैं, उस टाइम से और लाइट हो गया है ये कलर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जो मैं अगला वीडियो लाने जाऊंगा तो उसमें मैं जो मैंने एक बुक बनाई है साइंस एक्सपेरिमेंट की वो मैंने खरीदी है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा और उसी से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग अगली वीडियोस में करेंगे। तो ये तो मेरा पहला वीडियो था, मैंने पूरी से पूरा ट्राई किया। अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। ये जो मैं वीडियोस कर रहा हूँ ये सब के बारे में, ये मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो क्या कहते हैं लॉकडाउन के चक्कर में जो कुछ नहीं कर पाते, बहुत क्यूरोसिटी होती है उन सबको, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि वो भी करें सीखें और सब सीखते रहें, मुझसे सीखते रहें, बड़ों से सीखें, कुछ किसी और से सीखें। और इसी के साथ मैं आपके साथ वीडियोज लाते रहूँगा, तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।